हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.4। क्वेश्चन नंबर है 5, सेकंड का फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने इसके 4 पार्ट कर लिए थे, अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे जो प्रॉब्लम्स दे रखी है इनके केस में हमें पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशंस का, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशंस गेट करने हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके फिर हमें जो हमें इक्वेशंस मिलेगी उनका सॉल्यूशन गेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, आर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों के लिए उसका एक फिक्स्ड चार्ज है, और एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद एक एडिशनल चार्ज है आगे के हर डे के लिए, हर दिन के लिए, यानी 3 दिन तक उसके ऊपर कोई जो एक चार्ज लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। 3 दिन से ज़्यादा अगर वो रखते हैं तो उसके ऊपर पर डे, हर दिन के ऊपर चार्ज है, फिक्स चार्ज उन्होंने रखा हुआ है, वो लगेगा। सरिता पे करती है 27 रुपीज़ 7 दिनों के लिए, वाइल सुशी पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। सुशी पे करती है 21 रुपीज़ एक बुक जो वो 5 दिनों के लिए रखती है, तो आपको फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, आपको फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज हर एक्स्ट्रा डे के ऊपर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को एक्स मान लेंगे और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को वाई मान लेंगे। तो चलिए करते हैं, और करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको पसंद आएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इसे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, उसके लिए भी आपको इसको बेल आइकन को दबाना होगा। चलिए अब करते हैं, लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आज करने के बाद इसको कल ज़रूर करना है ताकि, क्योंकि 24 घंटे के अंदर एक बार दोबारा से रिवाइज करना ज़रूरी होता है, तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक मेमोरी में बने रहते हैं, नहीं तो आप लगभग 80% तक अगले दिन भूल जाते हो कोई चीज़ आप नहीं करते हो, तो उसको 80% 90% तक बनाए रखने के लिए अगले दिन करना ज़रूरी है, और उसके बाद हफ्ते में एक बार दोबारा से करना ज़रूरी है, फटाफट हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे से आएगा। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है वो हमने मान लिया रुपीज एक्स। लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि 3 दिन के बाद जो भी एक्स्ट्रा उन्होंने रख लिया तो उसका फाइन समझ लीजिए या फिर एडिशनल चार्ज है वो लगेगा, वो हमने मान लिया रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। सरिता के केस में उसने 7 दिन रखे हैं, तो 3 दिन तो लग गए, 7 दिन को हम टुकड़ों में बांटेंगे, 3 दिन फिक्स चार्ज लगा, फिक्स चार्ज है यहाँ पर, कितना बच गया बाकी 4 दिन, 4 दिन पर डे का चार्ज लगेगा, तो ये फिक्स चार्ज हो गया एक्स, और जो ये 4 दिन का 4y, ठीक है, तो एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज़। क्लियर है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन कहती है कि
ये 7 दिनों के लिए है, वो 5 दिनों के लिए रख लेती है। तो 5 दिन को हम 3 टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में बांटेंगे, 5 इक्वल टू 3 दिन का चार्ज तो है ही है। इसके बाद कितने दिन बच गए, 2 दिन, इस पर चार्ज पर डे लगेगा। ये है केस सुशी का। तो कितना चार्ज हुआ, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये सेकंड की इक्वेशन हुई। यहाँ पर आपके पास a1 मिलता है 1, b1 मिलता है 4, यहाँ पर a2 मिलता है 1, b2 मिलता है 2। तो लगभग सारे क्वेश्चनों के अंदर, ये पांचों पार्टों में ऐसा ही हुआ है कि जितने ये 5 पार्ट हमने किए हैं, इन पांचों के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, सब में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। a1 बाय a2 हमें मिलता है 1 अपॉन में 1, और b1 बाय b2 मिलता है 4 अपॉन में 2, 2 बाय 1। क्लियरली a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन गेट करेंगे, x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये हुई इक्वेशन 1। x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये हुई सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे आप लिखना चाहे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 लिखो तो ये भी लिख दो, या सब्ट्रैक्टिंग लिख दीजिए, ठीक है। कट गया, ये डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन ग्रेटर वैल्यू का यानी कि प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है। 2y = डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी, 6 आया, साइन प्लस का है, लगाने की जरूरत नहीं है। y = 6/2, 3। तो y की वैल्यू आई 3, इसे नाम दिया 3। अब हम 1 और 3 की हेल्प से x की वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 3, x प्लस 4 × 3, 27, x प्लस 12, 27, x इक्वल टू 27, माइनस 12, 15, यानी फिक्स चार्ज 15 रुपये हैं, और पर हर दिन चार्ज लगेगा 3 रुपये का, 3 रुपीज़। हैंस फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इजगल टू 15 रुपीज़, एंड चार्ज पर डे इजगल टू ₹3। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर चेक करना चाहे, सरिता का केस था ये, एक्स में हम पुट करें, वैसे एक से तो हमने निकाली ही है ना ये, इसलिए इसमें ना करके सेकंड में चेक करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हुई 15 रुपये, और फिर 2 दिन, हर दिन का 3 रुपये, 15 + 6, 21 आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है। ये हुई चेकिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। समझ में आया होगा आपको, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, कीप वॉचिंग योर ऑन चैनल। बाय।